टेक्स्ट से डिज़ाइन करके कल्पना ये थी कि हमारे स्कूल के बच्चे सुबह आएंगे और दिन भर वहाँ विज्ञान से रिलेटेड प्रयोग करेंगे और फिर रात को वहाँ से घर जाएंगे। रोज़ नए नए स्कूल के बच्चे आएंगे और वहाँ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऑडियो वीडियो का, ऐसी एक आधुनिक स्कूल जो विज्ञान के बारे में सब प्रकार की जानकारी हमारे इन छोटे बच्चों को जो सामाजिक आर्थिक सेक्शन से पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं उनको देने का काम इसमें हो। काफ़ी तैयारियां हुई, बाबू भी मीटिंग में मेरे साथ, बाबू है ना सुरेश अग्रवाल, हम उनको बाबू कहते हैं, तो वो भी मीटिंग में आए थे, सब ने एक्सेप्ट किया। आप थोड़ा सा इस प्रपोजल को आगे ले जाइए और जहाँ अड़चन होगी वहाँ मुझे बताइए। निश्चित रूप से हमारे देश में इस प्रकार के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक साइंस म्यूजियम एंड साइंस म्यूजियम ट्रेनिंग सेंटर, और विशेष रूप से ये प्राथमिक और माध्यमिक, क्योंकि उसके आगे के विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी फैसिलिटीज होती है, तो ये करने के बारे में जल्दी कार्रवाई होगी ऐसा विश्वास मैं आपको देता हूँ। अभी काम करते करते सुरेश अग्रवाल जी की भी उम्र 73 साल की हुई होगी, क्योंकि मैं उनसे 5-6 साल से छोटा हूँ। रघु ठाकुर जी की और हुई है, एक जनरेशन जो है काम करते करते उन्होंने ईमानदारी से परिश्रम से काम किया। एक बात खुशी है कि सुरेश जी के नेतृत्व में नए नए लोग भी तैयार हो रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है। अगर नई जनरेशन नहीं तैयार होगी तो ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव प्रोग्राम है, ये हमारे साथ ही ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये आगे भी बढ़ना चाहिए। मुझे बाबू सुरेश जी ने कुछ मांगा नहीं है, पर मुझे YouTube से कमाई होती है हर महीने में 2.5 से 3 लाख, और मैं पैसा बांट देता हूँ, तो मैं 10 लाख रुपए का चेक मेरे तरफ से इस कार्य के लिए बाबू को देता हूँ, और ये निश्चित रूप से इस कार्य के लिए इसका उपयोग करें, और ज़्यादा लगेगा तो मुझे बताइए, शायद मैं MP फंड से भी पैसे दे सकता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी मर्यादा काफ़ी बड़ी है, तो मुझे लगता है कि इस काम के लिए पैसा कम नहीं होना चाहिए। आपको संभव हुआ तो टेम्प्रेरी शेड यहाँ तैयार करके परमानेंट टाइप का यहाँ भी कोई ट्रेनिंग सेंटर कर सकते हो इस एरिया में, तो ये काफ़ी है। फिर भी आपकी जो प्लानिंग होगी उसको ज़रूर करिए, मैं तन मन धन से और व्यक्तिगत रूप से आपको साथ दूंगा ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति जागरूकता निर्माण करना, ये उनके व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और देश की सबसे बड़ी भविष्य की कोई प्रायोरिटी है तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, और हमको विश्वगुरु अगर बनना है तो नॉलेज ही बना सकता है। आज अमेरिका में एक 1.5 महीना पहले यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी के जो भारत से IIT पास हुए हैं और बड़े बड़े कंपनी के CEO थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें 1,500 CEOs थे, और उसके इनॉग्रेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं था, और बाबू आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी में आज जो CEO है उसमें से 80% से ज़्यादा भारतीय है, और उनकी कंपनियों के रिसर्च को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा था कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं। आज सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड में कहीं भी जाओ